बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्रेव हार्ट। सन 1280, ये कहानी है स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के राजा की मृत्यु होने के बाद इंग्लैंड के राजा एडवर्ड द लॉन्गशैंक्स ने स्कॉटलैंड पे कब्जा कर लिया, क्योंकि स्कॉटलैंड के राजा का कोई भी वारिस नहीं था। और अब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के राजा एडवर्ड लॉन्गशैंक्स के कब्जे में था, जो कि एक बहुत ही बेरहम बादशाह था। स्कॉटलैंड के बागियों ने एडवर्ड के खिलाफ आवाज उठाई, और जिसके चलते एडवर्ड ने उन्हें एक समझौते के लिए बुलाया, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा। और अब वो सब के सब स्कॉटलैंड के राजा एडवर्ड से समझौता करने के लिए पहुंचते हैं। इस समझौते के लिए एक और आदमी निकलता है, इसका नाम है मेलकम वेलेस, और ये किसान है। इसके दो बेटे हैं जॉन और विलियम। और जब ये उस जगह पहुंचता है जहां पर समझौता होना है, तो ये देखता है कि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने सबको मारकर फांसी पे लटका दिया है। और इस घटना के बाद वेलेस और 50 किसान ये तय करते हैं कि वो इंग्लैंड के राजा के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उससे लड़ेंगे। और इस लड़ाई में विलियम के पिता और उसके भाई की मौत हो जाती है, और उनकी मौत के बाद विलियम के अंकल उसे अपने साथ स्कॉटलैंड से बहुत दूर ले जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब विलियम बड़ा हो चुका है, और विलियम वापस अपने गांव आता है। गांव वापस आने के बाद विलियम अपने बचपन के दोस्तों से मिलता है, और यहीं पर एक लड़की होती है जो उसके बचपन की दोस्त होती है, इसका नाम होता है मुरोन। और विलियम को उससे प्यार हो जाता है, और वो दोनों छुपके शादी कर लेते हैं। और वो छुपके शादी इसलिए करते हैं क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने एक नया रूल निकाला था, जिसमें यह था कि जो भी नई शादी करेगा उसकी दुल्हन को हमारे जमींदार से सुहागरात मनानी पड़ेगी। और इंग्लैंड का राजा एडवर्ड ये रूल इसलिए निकालता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड के जमींदारों की जमीन हथियाना चाहता है, और इस बात के लिए वो कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए वो उन पे जुल्म कर रहा होता है। दरअसल ये एक बहुत पुरानी प्रथा थी जिसे अब दोबारा से लागू कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ गांव में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, और इसके लिए वो एक बार विलियम के पास भी जाते हैं, लेकिन विलियम साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूं, अपना परिवार बसाना चाहता हूं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि विलियम की मुरोन से शादी हो चुकी है। अब एक दिन जब मुरोन गांव में होती है, तो वहीं पर एक इंग्लैंड के राजा एडवर्ड का सिपाही होता है जिसकी मुरोन पे गंदी नजर होती है, और जब वो मुरोन को छेड़ता है तो वो उसे जोर से पंच मारती है, और इसके बाद वो सिपाही मुरोन की इज्जत लूटना शुरू कर देता है। लेकिन वहां पर विलियम आ जाता है, विलियम उसे मारता है, और जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो सारे सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। विलियम मुरोन को घोड़े में बिठाता है और बोलता है कि तुम मुझे नदी के किनारे मिलना, और वो उसे वहां से भेज देता है। और विलियम उन सारे सिपाहियों से लड़ रहा होता है, लेकिन जब मुरोन रास्ते में होती है तो उसे कुछ सिपाही पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ विलियम सिपाहियों से लड़ झगड़ कर वहां से बचकर नदी के किनारे पहुंचता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि मुरोन को सिपाहियों ने पकड़ लिया है और वो उसका वहां पर इंतजार कर रहा होता है। मुरोन को बीच गांव में एक खंबे के साथ बांध दिया जाता है, और वो बोलता है कि सिपाहियों के ऊपर हाथ उठाने का मतलब है इंग्लैंड के राजा के ऊपर हाथ उठाना, और इसकी सजा जरूर मिलेगी। और अब मुरोन जानती है कि उसे कत्ल करने वाले हैं, और उसकी आंखें विलियम का इंतजार कर रही होती है, लेकिन विलियम नदी किनारों से ढूंढ रहा होता है। और इसके बाद वो मुरोन का गला काट देते हैं, और मुरोन मर जाती है। और जब विलियम गांव वापस आता है तो सारे सिपाही उसका इंतजार कर रहे होते हैं। विलियम को पता चल जाता है कि मुरोन को मार दिया गया है, और विलियम उन सब पे हमला कर देता है। और जब विलियम उनसे लड़ रहा होता है तो गांव के और भी बागी लोग सब विलियम का साथ देते हैं, और वो सारे अंग्रेजों को मार देते हैं। और जिसने मुरोन को मारा होता है उस अंग्रेज को वो उसी खंबे के साथ खड़ा करते हैं जहां पर उन्होंने मुरोन को किया था, और विलियम उसका गला काट देता है। हालांकि विलियम ने बदला ले लिया, लेकिन विलियम ने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया है, अपने पिता को, भाई को, अपने गांव को, और आज उस लड़की को जिससे उसने शादी की, जिससे वो प्यार करता है। और अब विलियम के पास जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा, और अपनी पत्नी को दफनाने से पहले वो उसे चूम कर आखिरी बार अलविदा कहता है। विलियम और उसके साथियों ने अपने गांव को अंग्रेजों से आजाद करवाया है, और जब ये बात आसपास के गांव के लोगों को पता चलती है तो उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। और इसके बाद ये चलती फिरती बागियों की एक टोली बन जाती है, और इनका लीडर होता है विलियम वॉलेस, और एक के बाद एक ही कई अंग्रेजों को मारते हैं। और इसके साथ साथ विलियम और उसके साथी मजिस्ट्रेट को मारकर पूरे शहर पे कब्जा कर लेते हैं। और इंग्लैंड का राजा एडवर्ड अब विलियम वॉलेस से पूरी तरह से परेशान हो चुका है, और वो अपने बड़े बेटे को ये जिम्मेदारी देता है कि अब तुम्हें इस चीज को संभालना होगा। उसके बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, और उसकी शादी हुई है फ्रांस के राजा की बेटी से। हालांकि ये कहा जाता है कि उसका बड़ा बेटा कभी बाप नहीं बन सकता, और ये फर्ज
खुद एडवर्ड निभाएगा। एडवर्ड कुछ भी कर सकता है क्योंकि बहुत ही जालिम होता है। अब जब एडवर्ड ने अपने बेटे को विलियम वॉलेस की, उसके लोगों की और स्कॉटलैंड की पूरी जिम्मेदारी दे दी है, तो वो स्कॉटलैंड पे बहुत अत्याचार करता है और वहां पर एक बहुत बड़ी टुकड़ी भेजता है जिसमें पैदल सेना, तीरंदाज, घुड़सवार, ये सारे लोग होते हैं। और जब वो बड़ी टुकड़ी विलियम वॉलेस के लोगों के सामने पहुंचती है तो वो सब डर जाते हैं, वो वापिस जाना चाहते हैं। लेकिन विलियम वॉलेस उन सबको मोटिवेट करता है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस बड़ी सेना से लड़ाई करेंगे। अब उनके पास घुड़सवार होते हैं जिनसे जीत पाना लगभग नामुमकिन है, और जब घुड़सवार उनकी टुकड़ी पे आक्रमण करते हैं तो विलियम वॉलेस ने पहले से लकड़ी के बहुत बड़े बड़े भाले बना दिए होते हैं, और जैसे ही घुड़सवार उनके पास आने वाले होते हैं वो सारे के सारे भाले उनकी तरफ खड़े कर देते हैं, और जिससे सारे के सारे घुड़सवार मर जाते हैं। और इसके बाद विलियम वॉलेस और उसकी पूरी सेना अंग्रेजों पे धावा बोल देती है और इस लड़ाई में विलियम वॉलेस की जीत होती है, जो कि एक बहुत ही बड़ी जीत है। इस जीत के बाद स्कॉटलैंड के बड़े बड़े औहदे वाले लोग विलियम को सर की उपाधि देते हैं और साथ ही में स्कॉटलैंड के रखवाले का खिताब भी। अब वहां पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और ये लड़ाई होती है तख्त के लिए। वहां पर तख्त के दो दावेदार हैं। विलियम बोलता है कि अभी हमने अंग्रेजों को मात दिए लेकिन वो दोबारा हमला करेंगे। अब वहां पर एक आदमी बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। विलियम बोलता है कि हम इंग्लैंड पे हमला करेंगे, लेकिन विलियम की इस बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं रखता क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर हमला करना बहुत बड़ी बात है। और विलियम अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है और इसके बाद वो पहुंचता है यॉर्क सिटी, और यॉर्क सिटी में पहुंचने के बाद वो उस पूरी सिटी को लूट लेता है। और वहां का जो मेन आदमी होता है वो होता है एडवर्ड का भांजा, यानी कि इंग्लैंड के राजा का भांजा, और वो उसकी गर्दन काटकर एडवर्ड को भिजवा देता है। और जब एडवर्ड अपने भांजे की कटी हुई गर्दन देखता है तो वो इस बात से डर जाता है और वो समझ जाता है कि आज नहीं तो कल स्कॉटलैंड इंग्लैंड पे हमला कर सकता है, क्योंकि विलियम के इरादे बहुत ही मजबूत हैं और वो अब विलियम के साथ समझौता करने के लिए किसी को भेजना चाहता है, लेकिन वो अपने बेटे को नहीं भेजना चाहता क्योंकि वो जानता है कि उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है। इसीलिए एडवर्ड ये डिसाइड करता है कि वो अपने बेटे की बीवी को भेजेगा और वो विलियम से मिलने के लिए अपने बेटे की बीवी को भेजता है। और जब एडवर्ड की बहू इजाबेला विलियम से मिलती है तो वो उससे समझौते की बात करती है, लेकिन विलियम मना कर देता है। वो बोलता है कि ये गुलाम बनाने के तरीके हैं। बहुत साल पहले ऐसी एक बार और समझौते की बात हुई थी और जब वहां पर सब लोग समझौते के लिए पहुंचे तो एडवर्ड ने सबको फांसी पे लटका दिया। उस वक्त मैं बहुत छोटा था। वो इजाबेला को स्कॉटलैंड पे होने वाले अत्याचारों के बारे में भी बताता है। तभी वहां पर एक आदमी होता है, वो लैटिन भाषा में बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये एक दरिंदा है। उसे लगता है कि इसे लैटिन भाषा नहीं। विलियम लैटिन भाषा में उसे बोलता है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हाँ मैं एक दरिंदा हूं। और विलियम कहता है कि इसी बात को फ्रेंच में सुनना चाहोगे। विलियम को बहुत सारी भाषाएं आती है क्योंकि वो अपने चाचा के साथ बहुत देश घूमा था। अब इजाबेला वहां से सबको जाने के लिए कहती है और वहां से सब चले जाते हैं और वो विलियम से अकेले में बात करती है। वो बोलते कि हमें तुम्हारी प्रेमिका के बारे में पता चला। विलियम बोलता है कि वो मेरी प्रेमिका नहीं, मेरी पत्नी थी, हमने छुपके शादी की थी ताकि मुझे उसको अंग्रेजों के साथ ना बांटना पड़े, लेकिन उन लोगों ने मुझे पाने के लिए उसको मार डाला। इस बात से इजाबेला को दुख होता है और इजाबेला कहीं ना कहीं अब विलियम को पसंद करना शुरू कर देती है क्योंकि उसके अपने पति के साथ कोई भी रिश्ते नहीं होते, वो सिर्फ नाम की शादी होती है। विलियम कहता है कि पता नहीं मैंने तुम्हें सारी बातें क्यों बताई, शायद मैं अपनी पत्नी की हिम्मत तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। एक दिन तुम मल्लिका बनोगी, तब तुम अपनी आंखें खुली रखना। जाने से पहले विलियम कहता है कि जाकर अपने शहनशाह से कह दो कि विलियम के ऊपर कोई हुकूमत नहीं चलेगी और ना ही मेरे जीते जी किसी स्कॉट पे। और इसके बाद वहां से मल्लिका चली जाती है। इसी बीच ये भी दिखाते हैं कि विलियम को बार बार उसकी पत्नी सपनों में आती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अब उससे बहुत दूर जा चुकी है और वो किसी भी कीमत पे स्कॉटलैंड को आजाद करवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जब इजाबेला इंग्लैंड पहुंचती है तो वो बताते कि उन्होंने समझौते के लिए मना कर दिया। और यहां पर इजाबेला को ये पता चलता है कि वो यॉर्क सिटी पे हमला करने वाले, यानी कि एडवर्ड अब यॉर्क सिटी पे हमला करेगा जहां पर विलियम और उसके सारे लोग हैं। और यहां पे एडवर्ड की चाल ये होती है कि जब वो और उसकी सेना विलियम के सामने होगी तब एक बहुत बड़ी सेना पीछे से आकर एडवर्ड और उसके लोगों पे हमला कर देगी जिससे वो इस युद्ध को पूरी तरह से हार जाएंगे। अब जब इजाबेला को एडवर्ड की चाल का पता चलता है तो विलियम को एक पैगाम भिजवाती है जिसमें इंग्लैंड के राजा एडवर्ड की पूरी चाल लिखी होती है। और जब विलियम को यह पता चलता है तो सतर्क हो जाता है। अब वहां जो ऊंचे औहदे के अधिकारी होते हैं जिनके पास अपनी फौज भी होती है वो ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी बड़ी फौज से ना वो लड़ सकते हैं और ना ही जीत सकते हैं। पर विलियम बोलता है कि हम तुम लोगों के बिना पहले भी जीत चुके हैं पर अब हमें तुम्हारी जरूरत है। स्कॉटलैंड के तख्त का दावेदार रॉबर्ट विलियम वॉलेस की बात से इत्तेफाक रखता है और वो विलियम से वादा करता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब दोनों सेनाएं आमने सामने होती है जिसमें एक तरफ विलियम और उसके लोग होते हैं और दूसरी तरफ होता है रॉबर्ट और उसकी बहुत बड़ी सेना। और ये वक्त है सन 1298 का और जब लड़ाई शुरू होती है
तो विलियम को उसके दो बड़े स्कॉटलैंड के नेता धोखा देकर वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के राजा एडवर्ड ने उन्हें एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़ा दिया होता है। वहीं लड़ाई में विलियम और उसके साथियों का काफी नुकसान होता है, जिसमें उसके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। इसी लड़ाई के बीच एडवर्ड को लगने लगता है कि अब वो जंग जीत जाएगा और वो अपने कुछ साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। और उसे जाता हुआ देखकर विलियम, जो कि अब घायल है क्योंकि उसे भी एक तीर लग चुका है, वो उसका पीछा करना शुरू करता है। और उसे पीछे आता देख एडवर्ड का एक आदमी उसे रोकने के लिए विलियम की तरफ आता है। और उन दोनों के मुठभेड़ में एक पल ऐसा आता है जब विलियम उसे मारने वाला होता है, पर जैसे ही उसका मुखौटा उठाता है तो वो देखता है कि रॉबर्ट है, वही इंसान जो स्कॉटलैंड के तख्त का दावेदार है और जिसने विलियम को वादा किया था कि वो उसके साथ लड़ेगा, पर वो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड के साथ विलियम के खिलाफ लड़ रहा होता है। हालांकि रॉबर्ट ऐसा नहीं करना चाहता था, पर अपने पिता के कहने पर उसे ऐसा करना पड़ा। और उसे देखकर विलियम पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि विलियम को हर तरफ से धोखा मिला होता है और विलियम जख्मी होने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। और तब तक इंग्लैंड की सेना के कुछ लोग उसी तरफ आने लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट उसे एक आदमी को देखकर कहता है कि इसे यहां से जल्दी लेकर जाओ, और विलियम को वो वहां से लेकर चला जाता है। रॉबर्ट ब्रूस जब अपने लोगों की लाशें देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इसका कारण होता है। और वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और अपने पिता से कहता है कि मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे गद्दार नहीं बनना। दरअसल उसके पिता ने उसे ये सब करने के लिए कहा होता है ताकि उसका परिवार बच जाए और जमीनें बट जाए। वहीं दूसरी तरफ विलियम को जिन दो स्कॉटलैंड के बड़े नेताओं ने जंग में धोखा दिया था वो उन्हें मार देता है। अब विलियम के पास सेना नहीं है, कुछ ही लोग बचे हैं, तो वो गुरिला वार करता है, यानी छुप के हमला करता है और कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतार देता है। और धीरे धीरे वो पूरे स्कॉटलैंड में मशहूर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ नए जवानों को जमा करके वो अपनी फौज दोबारा बनाना चाहता है। और इस बात से राजा एडवर्ड परेशान हो जाता है। और एडवर्ड एक बार दोबारा अपनी बेटी की पत्नी इजाबेला को विलियम्स के पास समझौता करने के लिए भेजता है। वो ये भी सोचता है कि अगर विलियम्स ने उसे मार दिया तो फ्रांस के राजा उसके खिलाफ हो जाएंगे, क्योंकि इजाबेला फ्रांस के राजा की बेटी होती है। अब इजाबेला और विलियम्स की मुलाकात होती है। विलियम उससे पूछता है कि तुम मेरी मदद क्यों करती हो, क्योंकि उसने विलियम की मदद कई बार की होती है। वो बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। और इसके बाद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है और सुबह इजाबेला वापस इंग्लैंड चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट ब्रूस के लोग विलियम से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि हमारे साथ चलो, पूरा स्कॉटलैंड एक हो जाएगा और हम मिलकर लड़ेंगे। हालांकि विलियम का दोस्त नहीं चाहता कि वो उन पर भरोसा करे, क्योंकि रॉबर्ट ने पहले भी विलियम को धोखा दिया था। पर विलियम जाता है क्योंकि वो स्कॉटलैंड की आजादी चाहता है। और जब वो वहां पहुंचता है तो अंग्रेज उसे पकड़ लेते और बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इस बात से रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे इस षड्यंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। रॉबर्ट के पिता ने जमींदारों और अंग्रेजों से इस काम के बदले रॉबर्ट को स्कॉटलैंड का तख्त देने का वादा लिया होता है। अब विलियम अंग्रेजों की कैद में है और वो उससे कहते हैं कि तुम पर शहंशाह के खिलाफ बगावत का इल्जाम है। विलियम बोलता है कि वो मेरा शहंशाह नहीं है। वो कहते हैं कि उन्हें शहंशाह मान लो, मौत आसान होगी, नहीं तो बहुत तड़पोगे। लेकिन विलियम उसे शहंशाह नहीं मानता और वो ये तय करते हैं कि कल सुबह विलियम को सजाए मौत मिलेगी। अब रात को मल्लिका इजाबेला राजा एडवर्ड के पास जाती है। एडवर्ड अब बहुत बीमार है और वो मरने वाला है। इजाबेला उससे विलियम की जिंदगी की भीख मांगती है, पर वो कोई रहम नहीं करता। एडवर्ड का बेटा बोलता है कि पिताजी ने अपनी आवाज खोने से पहले मुझसे कहा था कि विलियम का सर कलम हो जाए, उसके बाद मैं आराम से मर जाऊंगा। इजाबेला को जब पता चलता है कि वो अब बोल नहीं सकता तो वो उसके कान में बोलती है कि तुम्हारा वंश तुम्हारे साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरी कोख में जो बच्चा है वो तुम्हारे वंश का नहीं है, क्योंकि वो विलियम का बच्चा होता है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन विलियम को बहुत बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर पूरी प्रजा के सामने मारा जाता है। उसके शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं। उसके सर को लंदन के पुल पर लटकाया गया और हाथ और पैर भी अलग अलग जगह भेजकर चेतावनी के तौर पर लटकाए गए, ताकि कभी कोई बगावत ना करे। पर यह आग बुझने वाली नहीं थी। अब रॉबर्ट ब्रूस और विलियम के साथ ही एक हो गए और वो अंग्रेजों के खिलाफ विलियम वॉलेस के नाम से एक योद्धा की तरह लड़े और 1314 में अंग्रेजों को हराकर स्कॉटलैंड की आजादी अपने नाम कर ली। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। तो ये थी कहानी एक सच्चे योद्धा की, जिसने अपनी जिंदगी देके स्कॉटलैंड की आजादी स्कॉटलैंड के लोगों को वापस दी।